नितिन सर, इंडियन ऑयल कैसा दिख रहा है? ठीक है, 79-80 के आसपास चल रहा है, और फिलहाल तो इसको जो है सो सैटर्न का पोजीशन, चूंकि ऑयल इंडस्ट्रीज को जो होता है वो सैटर्न का पोजीशन मिलता है, और सैटर्न अभी फिलहाल मजबूत पोजीशन, मजबूत स्थिति में बना हुआ है, इसलिए देखिए स्टॉक अभी चल रहा है और अच्छे खासा चल रहा है, और ऑलमोस्ट अपने ब्रेकआउट जोन जो था इसका 79 उसके ऊपर ही चल रहा है, और कल के बाद से ये इसके ऊपर चलना शुरू हो गया है। वॉल्यूम भी लास्ट कुछ दिनों में देखेंगे तो एवरेज वॉल्यूम जो पहले थी 2-3 महीने की एवरेज, उसके ऊपर में काम होना शुरू हो गया है। 79-80 नंबर्स पर अगर मैं बात करूं तो फिलहाल इसको 86 के आसपास में एक जबरदस्त रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। 86 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत जरूरी होगा। अगर 86 के ऊपर अगर ये क्रॉस कर जाता है, हाँ ये भी मैं बोलूंगा यहाँ से 79 में बाई करती है, इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको 85-86 का आपको टारगेट मिल जाएगा, लेकिन 86 के पास में एक रेजिस्टेंस फेस करेगा, हो सकता है नीचे में वापस ये 77 तक ला दे 86 के बाद से। 86 अगर क्रॉस कर जाता है तो आपके पास में 96 का रास्ता खुल जाता है, तो इस लैप बाय लैप में आप इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं। फर्स्ट लैप अभी आप बाइंग कर सकते हैं 86 के टारगेट के लिए, वहां से मैं बोलूंगा प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि वहां के बाद से मुझे 77 दिखता है फिर से, और 77 से फिर से जो एक रैली लेगा वो मुझे लग रहा है 96 तक ले जाएगा जी। ये है आईयूसी पे भी।